आइए एक बार फिर हम शुरू करते हैं, वही ज्ञानदार, धनदार और शानदार कौन बनेगा सैकड़ापति। आज बुला रहे हैं अपने पहले प्रतिभागी को जिसका नाम है किशन राजभर। आइए प्लीज सर, आइए आइए बैठिए। ठीक है, कंफर्टेबल हैं? ठीक है, चलिए सिट डाउन, सिट डाउन और शांति से। आपने देखा, बिल्कुल बैठाने का अंदाज कौन बनेगा करोड़पति का था। ये देखिए, ये जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, जिस स्क्रीन पर देखा जाता है, ये थर्माकोल का है और नीचे गत्ता लगा हुआ है। और आइए मुझे और दिखाता हूँ, ये ईटे का है और दूसरा थर्माकोल भी, दूसरा कंप्यूटर भी थर्माकोल का है। कुल जुगाड़ की चीजें हैं। ये स्कूल का ग्राउंड है और उधर देखिए पीछे दर्शक हैं और इधर आगे वाले दर्शक हैं और ये हॉट सीट है जहाँ पर ये कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं और ये अमिताभ बच्चन है, मतलब अमिताभ बच्चन जैसे दिख रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी तो 1 करोड़ या 5 करोड़ देते हैं, लेकिन ये बच्चों को 100 रुपए देते हैं और उन 100 रुपए से बच्चे अपने लिए पेंसिल, मिठाई, कॉपी, किताब, तमाम चीज़ें खरीदते हैं। हमने बच्चों से भी बात की और यही बच्चे बता रहे थे, उत्तर प्रदेश का ये सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में तमाम बाहर के बच्चे भी आके देख रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है कि एक टीचर बच्चों को कौन बनेगा सैकड़ापति का एक गेम खिलाते हैं जिसमें 100 रुपए इनाम दिया जाता है। चलिए इस गेम को देखते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। लेट्स प्ले। राजभर जी कैसे हैं आप? खेलेंगे बढ़िया से, समझदारी से? आज सवालों की संख्या थोड़ी कम कर दी गई है, ठीक है? तो आज आपके पास सिर्फ 5 सवाल होंगे और 5 सवाल में ही आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगे। आपके पास 100 रुपए जीतने का चांस आज ज्यादा है। शुरू करें? चलिए पहला सवाल किशन राजभर जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, चूहे के डैश से नगाड़े नहीं बांधे जाते। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी पूंछ, ऑप्शन सी चाम, ऑप्शन डी मूंछ। ऑप्शन सी चाम। कन्फर्म है आप? यस सर। कंप्यूटर महोदय लॉक करवा दें? यस सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। वाह, सही जवाब, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। किशन राजभर आप 10 रुपया जीत चुके हैं, यानी पहले पड़ाव पे आप आ चुके हैं, यानी आज यहाँ से आप 10 रुपये लेके जाएंगे ही जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ध्यान रहे महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी श्रीमती सोनिया गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी। कन्फर्म है आप? यस सर। कंप्यूटर महोदय से लॉक करवाते हैं? यस सर। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। वाह, सही जवाब, क्या बात है, क्या बात है। आप देख रहे हैं कितनी समझदारी के साथ और कितनी चतुराई के साथ किशन राजभर जी यहाँ खेल रहे हैं। आइए देखते हैं गेम का आगे का हाल क्या होता है। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, किस देश में हीरा सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। 3 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, एक्सपर्ट एडवाइस। आज आपके पास फोन फ्रेंड नहीं होगा, हमारे बीच हमारे जो मीडिया बंधु हैं, हमारे मित्र प्रकाश जी, वो आज एक्सपर्ट की भूमिका में हैं, वो आपकी मदद करेंगे। और ऑप्शन सी या तीसरा लाइफलाइन है आपका 50-50। ऑडियंस पोल, पहला ऑडियंस पोल। चलिए बच्चों अब गेंद आपके पाले में है, किशन राजभर जी फंस गए हैं। सबसे अधिक हीरा कहाँ पाया जाता है? अरे वाह, ऑप्शन सुन लीजिए भाई, पहले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, भारत, कौन सा कोई बताएगा? बताओ बताओ, कोई और बताएगा? जैसे क्या होता है, रूस, हर जगह से रूसी आ रहा है, क्या बात है, लॉक कर दें? यस। चले कंप्यूटर महोदय बैठ जाइए आप, कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए। ओह क्या बात है, सही जवाब। तो इस तरह से सहयोग आपका इस ऑडियंस से मिला, आपके दोस्तों से मिला, मदद करेंगे इन कभी आप? यस सर। आपकी इन्होंने मदद की है तो आप भी, आपका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप भी इनकी मदद करें, करेंगे? यस सर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान सुनिए आप लोग, अगला सवाल कठिन सवाल, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। 2 बचा हुआ है लाइफ लाइन, एक्सपर्ट एडवाइस 50-50, कौन सा करेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस। यस सर। मित्र प्रकाश जी का अब नंबर आ चुका है,
अब गीत इनके पाले में है, देखते हैं ये उस रकम को जीता पाते हैं कि नहीं जीता पाते हैं। 80 रुपये का सवाल है। तो बेटे महोदय, ये अपनी दूसरी लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसे इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। तो मित्र प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये सभी आप मीडिया बंधु हैं जो मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो खैर, ये बातें बाद में हो जाएंगी, पहले सवाल पे हमारा एक छात्र KBS के हॉट सीट पर फंस चुका है, आपसे वो मदद चाहता है। तो मैं सवाल आप बोलूँगा, आप थोड़ा सा एक ही बार सुनिएगा। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? मित्र प्रकाश जी ध्यान से सुनिएगा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। मैं इनके साथ कुतुबद्दीन ऐबक इनमें बताना चाहूँगा कि कुतुबद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुब मीनार। क्या करेंगे आप, जाएंगे सर के साथ? यस सर। कन्फर्म? यस सर। जानते हैं इनको? नहीं सर। पहचानते हैं इनको? नहीं सर। तब क्यों चले गए इनके साथ? सोच लीजिए एक बार, क्या करना है, लॉक कर दें? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर महोदय लॉक करिए। आपने एक अपरिचित जो आपको जानते नहीं है, आप उनको पहचानते नहीं है, आपने उनको विश्वास किया और आप, आपका विश्वास सही है, क्या बात है, आपका ये विश्वास सही है, वाह। तो मित्र प्रकाश जी ने आपकी मदद की 80 रुपये जीतने के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो 100 रुपया मिलने वाला है वो हमारे मित्र प्रकाश जी की तरफ से ही मिलने वाला है। अगर आप 100 रुपया जीतेंगे तो आपको 100 रुपया मित्र प्रकाश जी ही आपको स्पॉन्सर करेंगे। और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मीडिया बंधु आया है हमारे सामने और उन्होंने स्पॉन्सरशिप की यहाँ पे क्या कर रखी है, पेशकश की है। तो मैं मित्र प्रकाश जी का तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो 80 रुपये, जेब सर आपकी ढीली हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? कोई बात नहीं, मुझे खुशी हो रही है। 100 रुपया, हो सकता है 100 रुपया भी ढीला हो जाए, 80 रुपया तो हो चुका है, अब 100 रुपया भी हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं आखिरी सवाल। किशन राजभर जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी श्री अमित शाह, ऑप्शन सी श्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। 50-50 लेंगे आप? यस सर। कंप्यूटर महोदय, किशन राजभर जी अपनी तीसरी और आखिरी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके 2 गलत जवाब आपके हटा दिए गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हटा दिया गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यानी श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री राजनाथ सिंह रह गए, बताइए। ऑप्शन ए श्री धर्मेंद्र प्रधान। कन्फर्म है आप? यस सर। 100 रुपये इतनी बड़ी रकम है, ध्यान रहे, अगर आपको सवाल नहीं आएगा तो छोड़ दीजिएगा, आपको 80 रुपये कम से कम मिल जाएंगे, नहीं और सवाल गलत होगा आप चले जाएंगे 10 रुपये पर। सोच समझ के खेलिएगा, आखिरी सवाल आपके सामने किशन राजभर जी। हमारा मन कर रहा है कन्फर्म है ए श्री धर्मेंद्र प्रधान। राजनाथ सिंह वो भी तो कुछ है, और अच्छा मंत्री है। अच्छा मंत्री है? यस सर। कन्फर्म है आप एकदम? यस सर। चलिए मुझे क्या करना, मैं तो लॉक कर देता हूँ ऑप्शन ए। डॉक्टर महोदय लॉक किया जाए। किशन राजभर जी, अगर आप ये सवाल छोड़ देते ना तो आप 80 रुपया पाया थे। आप 100 रुपया जीत रहे थे, आप 100 रुपया जीत रहे थे और अभी भी जीत रहे हैं, क्या बात है, सैकड़ापति सैकड़ापति, क्या बात है, क्या बात है, मजा आया? यस। 100 रुपये, अब मैं अनुरोध करूंगा अपने मित्र प्रकाश जी से 100 रुपये और दे धनराशि निकाले। आप आइए, आप आइए, आप आइए, चलिए। ये 100 रुपये मित्र प्रकाश जी की तरफ से, चलिए धन्यवाद। ये कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन वाला मुंबई वाला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का कौन बनेगा सैकड़ापति है, जिसे कराते हैं जावेद आलम सर, बड़े फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और यही कारण है कि ये बच्चे हर शनिवार को इसी तरह बैठते हैं, पहले क्लासरूम के उधर बैठते थे, आज धूप का माहौल है, ठंडी है, तो बच्चे बाहर प्रांगण में बैठे हुए हैं और बैठकर कौन बनेगा सैकड़ापति खेल रहे हैं। छुट्टी के बाद बच्चों का ज्ञानवर्धन करने के लिए और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सर 100 रुपये का इंतज़ाम भी करते हैं और इन बच्चों को सवाल बताने पे 100 रुपये का इनाम भी देते हैं। आपने उत्तर प्रदेश स्कूलों की तमाम चीज़ें देखी होंगी, तमाम कमियां देखी होंगी, बहुत सारी अच्छाइयां भी देखी होंगी, हम दोनों दिखाते हैं, लेकिन
आप जब ये देखे होंगे तो आपको मजा आ गया होगा। सोशल मीडिया पर म्यूजिक के साथ एक वीडियो वायरल है जिसमें कौन बनेगा करोड़पति की म्यूजिक चल रही है और सर ही सवाल पूछ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद हम पड़ताल करते हुए महाराजगंज इनके पास आ पहुंचे और उसी कौन बनेगा करोड़पति के शो पे बैठ गए और हमें भी बहुत मज़ा आया। मैं खुद एक्सपर्ट था और मैं भी सवाल का जवाब जब दे रहा था तो डरने लग गया था और मुझे बहुत मज़ा आया। सर से बात कर लेते हैं। जावेद सर, कहाँ से शुरू हुआ ये कारवां और आज तो आप सोशल मीडिया स्टार बन गए हैं और बच्चे भी आपके स्टार बन गए हैं, बच्चे भी टीवी पर आ रहे हैं, कैसे शुरू हुआ है सर? असल में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी बगल के ही गांव में है करवटे उपकंडा में, वहाँ पर मैं प्रोग्राम करा चुका हूँ। वहाँ मैं 10 रुपया प्रति किराया करता था। तो अब चूँकि मेरा प्रमोशन हो गया, मैं नए विद्यालय में आ गया। नए विद्यालय में आने के बाद चूँकि यहाँ का विद्यालय बहुत टूटा फूटा था, बहुत अस्त व्यस्त विद्यालय था, मतलब विद्यालय था ही नहीं। हम लोग बगल में प्राइमरी आप देख रहे होंगे बगल में, और जो बच्चे बैठे हैं वो प्राइमरी के ही बच्चे हैं। तो वहाँ जो प्राइमरी में एक रूम हमने किराए पर लिया और वहाँ पर क्या हमने पढ़ाना शुरू किया। काफ़ी मेहनत के बाद फंड आया, फिर ये विद्यालय बना। और जैसे ही विद्यालय का उद्घाटन होने वाला था, ये क्या हुआ कि ये फिर बंद हो गया, कोविड में बंद हो गया, कोरोना काल में बंद हो गया। फिर दोबारा ये चालू हुआ। जब ये दोबारा चालू हुआ तो हमने सोचा कि वो जो कौन बनेगा 10 रुपया प्रति था, क्योंकि समय बढ़ चुका है तो कौन बनेगा आप सैकड़ा प्रति कराया जाए और इन बच्चों के सामने लाया जाए, क्योंकि संख्या कम आ रही थी बच्चों की। कोरोना के बाद बच्चे निरुत्साहित हो गए थे, उनके अंदर वो स्पार्क नहीं था पढ़ाई का। तो मैंने क्या किया, कौन बनेगा सैकड़ा प्रति शुरू किया और अपने प्रभारी से बातचीत की, और शनिवार को बाल सभा और मीना मंच हमारे यहाँ होता है उसके दिन हमने लागू करने का प्रयास किया। और हमने ये देखा कि अप्रत्याशित तौर पर जब अगला शनिवार आया तो बच्चों की संख्या बढ़ी हुई थी, तो हम उत्साहित हुए और हमने इसको एपिसोड के तौर पर क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पे आ चुके हैं और हॉट सीट पर बैठ चुके हैं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए। बहुत शानदार काम कर रहे हैं जावेद सर, और इन्हीं बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल पे बच्चे पढ़ने आते हैं, वो किसान वर्ग के बच्चे होते हैं, मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं, बाकी अगर जिनके पास थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था होती है वो प्राइवेट का रास्ता देखने लगता है। लेकिन मैंने देखा कि उस जो उस पार का प्रांगण है, जब यहाँ ये शो हो रहा था तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे उधर से देख रहे थे। पहली बार ऐसा देखा कि किसी सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे टकटकी लगा के नज़र लगाए देख रहे थे कि हमारे स्कूल में भी बहुत शानदार ये काम नहीं होता है जो एक सरकारी स्कूलों में काम होता है। सरकारी स्कूल में कोई पैसा नहीं लगता है, भोजन भी दिया जाता है ताकि बच्चे आए। सर अभी बता रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों की संख्या बढ़ गई जब से उन्होंने ये गेम कराना शुरू किया। हमारी शुभकामनाएं इस अध्यापक के साथ है और ऐसे तमाम उन अध्यापकों के साथ है जो बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे थे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में थे और कौन बनेगा सैकड़ा पति ही देखने आए थे और आज उसमें मैं खुद एक्सपर्ट एडवाइस की भूमिका में था। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।